नमस्कार दोस्तों, एक और न्यूज़ सुबह सुबह की आपके लिए अच्छी खबर है। ये सरकार फिर करेगी ग्रुप डी की भर्ती, खाली पदों की लिस्ट मांगी। तो जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जो ऑफिशियल नोटिस था, जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से जो नोटिस था, उसमें हर विभागों से जो खाली पद है डी ग्रुप के, वो मांगे गए थे। तो आज न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर के अंदर आज उसकी एक और जो कटिंग आई है, वो देखते हैं। विभागों को एचएससी के पास भेजनी होगी सूचना, तो जल्दी। ये अर्जेंट में नोटिस था, हमने देखा था, मोस्ट अर्जेंट। ऐसी प्रदेश में ये पढ़ते हैं हम, प्रदेश में ग्रुप डी के 18,218 पदों की हुई भर्ती से ज़्यादा पढ़े लिखे युवाओं का चयन हुआ। इससे काफ़ी युवाओं के ड्यूटी ज्वाइन न करने और कुछ के दूसरी भर्ती में जाने से पद खाली रहने की संभावना है। ऐसे में कुछ मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से विभागों, निगमों, बोर्डों, कॉरपोरेशन आदि के एचओडी को पत्र लिखकर ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए कहा, ताकि खाली पदों पर जल्द भर्ती की जा सके। कि चुनाव आने वाले सभी विभागों को 28 फरवरी तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। उससे पहले पहले ऑनलाइन भेजने को कहा गया, ये भी नोटिस में देखा था हमने। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले माह कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाना चाहती है। 8,000 से ज़्यादा पढ़े लिखे भर्ती पद खाली रहने का अंदेशा। तो भर्ती, पिछली भर्ती में 8,000 युवा 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे चयनित हुए, जबकि इस पद के लिए 10वीं पास ही रखी गई थी। अभी पुलिस की भर्ती भी चल रही है, इसलिए ग्रुप डी में चयनित युवाओं ने उसके लिए भी आवेदन किया हुआ है। यदि वे पुलिस में भर्ती हो गए तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देंगे। साथ ही कुछ पद ड्यूटी ज्वाइन न करने के कारण भी खाली रह गए। तो जल्दी आपके लिए ये खुशखबरी आएगी। ये फर्स्ट वीक में, ये अंदाज़ा है कि फर्स्ट वीक में ये आपका वैकेंसी डी ग्रुप की देखने को मिलेगी। आपको 8 से 15,000, 10,000 कुछ भी आ सकती है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि आएगी ज़रूर ये दोस्तों। तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।